मैं खालिद खान सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अंजुमन कमेटी द्वारा नगर में आगामी त्योहार मुहर्रम पर्व को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ अंजुमन सदर सकेल अली, शहर काजी आसिफुल्ला खान व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने मुहर्रम पर्व को लेकर विशेष चर्चा की। इस बैठक में सीएसपी नरेंद्र सोलंकी द्वारा बताया गया कि आगामी त्योहारों को कोरोना काल के चलते धूमधाम से न मनाते हुए शांतिपूर्वक रूप से मनाया जाएगा, साथ ही शासन की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस कोरोना की चपेट में न आ सके। सबसे बड़ी संकट की घड़ी है कोरोना, इससे फाइट करना है, इसमें हमको इफेक्ट बढ़ते करना है कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। जो निर्देश है सार्वजनिक नहीं होना है, लेकिन चूंकि आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो अपने अपने अखाड़े सबीर और जो भी प्रोग्राम होते हैं 11-12 दिन के, उनके सभी जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारों के साथ में शासन प्रशासन की ये बैठक और शासन के आपको दिशा निर्देश और उसका आप लोग अच्छे से पालन कराना, जिससे कि हमारे त्यौहार अच्छे से अच्छे बन सके और ये नया साल भी हमारा सर इस तरह मुहर्रम से हमारा नया साल देता। तो इसको हम ऐसा मैसेज दें कि हाँ शासन प्रशासन को ये एहसास हो जाए कि वास्तव के अंदर अगर हम नहीं भी के बीच जाएंगे तो ये लोग उसके जिम्मेदार रहेंगे। सर कुछ ही दिनों में मुहर्रम जो शुरुआत हो रहे हैं उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या आदेश रहेंगे? हाँ, मंदसौर में जो मुहर्रम के पर्व की शुरुआत है वो राज्य स्तर पर जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही उसमें हो रहा है। आज अंजुमन इस्लाम कमेटी ने यहाँ पे बुलाया गया था, यहाँ पे जो अखाड़े के संचालक है बाकी जो भाई साहब हैं इनके उपस्थिति में यहाँ पे वो दिशा निर्देश बताए गए हैं। सबके द्वारा ये आश्वस्त भी किया गया है कि हम जो त्यौहार को कोविड-19 संक्रमण से रोकने के लिए। सेव वर्ल्ड न्यूज़ के लिए संवाददाता सरवर खान की रिपोर्ट। हर बड़ी खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें सैफ वर्ल्ड न्यूज़ से।